से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने इस ज्ञापन के बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी और मजदूरों का शोषण बंद नहीं करा तो हम International bands and smartwatches collection with great offers at Minute to Style. Let's go on time with the stylish designer collection. Minute to Style near Martindal Bridge Station Road and Anasagar Circular Link Road, Ajmer. Maan se sambandh 10 lakh mazdoor jinke liye sarkar ne kalyan board bana rakha hai aur pichle 4 saal se unko thapp kar rakha hai sarkar ne. Jo yahan par paisa fund pada tha wo corona ke naam se le gaye. Ab unke bachchiyon ke vivah ke liye paisa dene ka hai. वो भी नहीं मिल रहा है, छात्रवृत्ति का पैसा नहीं मिल रहा है, कुल मिलाकर के सारे कल्याण के इन्होंने ठप कर रखे कार्यक्रम। हमारा स्पष्ट कहना है, सरकार ये समझ ले कि निर्माण मजदूरों का अगर शोषण हुआ तो प्रदेश के 10 लाख मजदूर इस सरकार को घेर करके उसको घुटने टिकाएंगे। आपका नाम? भारतीय मजदूर संघ संगठन संभाग संगठन मंत्री धर्म पारवानी। राजस्थान सरकार की जो निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड से जो योजनाएं चल रही है उनको पिछले 4 साल से सरकार ने लगभग एक तरह से बंद कर रखा है। कई बार हमने ज्ञापन भी दिए, मांग भी उठाई। अब हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ये संदेश देना चाहते हैं कि या तो हमारी जो श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं, जो शुभ शक्ति योजना 4 साल से बंद है, हमारे निर्माण श्रमिक की मृत्यु होने पर उसको 5 लाख 2 लाख की सहायता राशि दी जाती है, वो भी नहीं दे रहे हैं। पिछले 2 साल से छात्रवृत्ति के पैसे भी नहीं दे रहे हैं। इस तरह से हमारी 21 मांगें राजस्थान सरकार से है और ये 21 मांग का मांग पत्र हम माननीय कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और हम माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब को चेतावनी देते हैं कि अगर आपने इस ज्ञापन के बाद अगर हमारी मांगे नहीं मानी और मजदूरों का शोषण बंद नहीं करा तो हम 28 सितंबर को जयपुर में बहुत ही बड़ी एक आंदोलन रैली करेंगे, उग्र आंदोलन। आपका नाम? मेरा नाम विश्राम मालाकार, प्रदेश महामंत्री, राजस्थान निर्माण मजदूर संघ, भारतीय मजदूर संघ।